मिलते हैं, ऑटो स्टॉप मिल जाता है, ट्रिप मिलती है आपको, और यहाँ पे आपको स्मूथ मोड जो हम बता रहे थे आपको बाहर साइड में, स्मूथ मोड का स्विच यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये सर्वो फंक्शंस के लिए ऑन करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक SOS मिल जाता है, इमरजेंसी स्विच मिल जाता है। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं JCB 4DX मशीन, जो कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने जो मशीन खड़ी है, ये 3DX नहीं है, ये 4DX मशीन है हमारी। तो गाइस हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले यहाँ आप देखोगे तो इसका जो लोडर साइज़ है ना, बहुत बड़ा साइज़ इसका दिया गया है यहाँ पे। अब जो नॉर्मली हमारी 3DX मशीन आती है उसके अंदर आपको 1.1 क्यूबिक मीटर का साइज़ मिलता है, यहाँ पे आपको 1.2 क्यूबिक मीटर का साइज़ मिलता है। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बकेट जो होता है वो ओपन एंड क्लोज़ के लिए भी ऑप्शन होता है, आप इसमें एक अलग से लीवर दिया जाता है जिससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसकी जो लोडर असेंबली होती है 3DX के मुकाबले बड़ी साइज़ में होती है, क्योंकि इसकी डंप हाइट जो होती है वो 3DX के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसकी जो रैम साइज़ भी होती है वो उससे उसके मुकाबले बड़ी होती है। और वही हम टायर की बात करें तो यहाँ फ्रंट साइड में आपको जो टायर मिलता है ये इसका साइज़ बड़ा होता है, जो कि 12 पॉइंट में आता है, और 3DX में आपको वही साइज़ 9-16 का मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो टायर साइज़ की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा टायर मिलता है। वहीं इंजन में हम देखें तो इसमें 444 इंजन आता है, जो कि JCB 3DX में आता है, बट इसमें कुछ चीज़ें एडवांस हो जाती हैं। यहाँ पे आपको AC कंप्रेसर मिल जाते हैं, AC कंप्रेसर क्योंकि इसमें इसके केबिन में AC दी गई है, और इसमें आपको इजी कंट्रोल के लिए सर्वो मोटर मिल जाती है, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें हम आगे चल के देखने वाले हैं। यहीं पे हम हाइड्रोलिक टैंक की बात करें तो टैंक का साइज़ वही रहता है 70 लीटर। इसमें सर्विस ड्यूरेशन के टाइम पे यहाँ पे आपको 52 लीटर्स ही ऑयल चेंज होते हैं, बाकी ऑयल चेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें जो पंप यूज़ किया जाता है वो बहुत एडवांस लेवल का पंप यूज़ किया जाता है। अब हम पीछे साइड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ जो टायर आप देख रहे हो ये MRF का टायर है, जो कि 14.25 का। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको रियर विंडो में कितने मल्टीपल मोड्स देखने को मिलते हैं, ये इतने सारे फीचर्स JCB के अंदर दिए गए हैं। सबसे नॉर्मली इसमें आपको स्टेबलाइजर मिलता है, उससे ये काफ़ी अलग बटरफ्लाई टाइप से आपको इसका मतलब ये इसका यूज़ ये होता है, जैसे आपको नाली वाली खोलने के लिए आप इसको, जैसे कि आप स्टेबल लगाने के बाद इसकी जो डिक डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इजीली अब नाली नहरों में इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो एक्सकावेटर बकेट साइज़ है, जो कि नॉर्मल मशीन से बड़ा आता है, इसका 0.36 के लगभग। तो गाइस अभी हम केबिन देखने वाले हैं, पूरा केबिन के अंदर कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं और कैसी इसमें सुविधाएं दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीट, जो कि बहुत प्यारी सीट है, कुशन टाइप इसमें सीट दी गई है। इसमें लेदर का कवर यूज़ किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया मशीन है, बहुत बढ़िया सीट दी गई है इसके अंदर। अगर हम फ्रंट से बात करें तो यहाँ पर आपको वही स्टेयरिंग मिलती है विथ JCB लोगों के साथ। तो अगर यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आपको FNR लीवर मिलता है, जो कि इसमें ईजी शिफ्ट जो दिया गया था वो यहाँ से आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। इसमें 4 गियर्स होते हैं, आप यहाँ से जो पहले दादाजी स्कूटी यूज़ करते थे उसी तरह से यहाँ पे आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। और यहीं पे आपको हॉर्न भी इनबिल्ट होता है, तो आप हॉर्न भी यहाँ से बजा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक मिनी डिस्प्ले दी गई है, जो कि इसमें आपको रियल टाइम स्पीड दिखाती है, गियर दिखाती है कि कौन से गियर में आपकी मशीन चल रही है इस टाइम पर। वहीं राइट साइड में हम देखें तो यहाँ भी आपको एक लीवर देखने को मिलता है, जो कि अपर डिपर और वाइपर्स के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर आपको 4 स्विचेस दिख रहे होंगे, जो कि यहाँ आप देखोगे तो आपको एक सबसे फर्स्ट में जो दिख रहा है स्विच, ये रोडिंग और लोडिंग मोड है, ये रोड पे और लोड पे जब चलाते हो उस टाइम पे इसको यूज़ करना है। और वहीं सेकंड स्विच इसमें ये पार्किंग का दिया गया है, ये लाइट्स का दिया गया है, यहाँ पे 4-व्हील ड्राइव अटैचमेंट्स के लिए एक स्विच दिया गया है, जो कि अगर आपको 4-व्हील ड्राइव का यूज़ है तो आप इसको अटैच करिए, बाकी इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 4-व्हील में चलाओगे तो कंटिन्यू आपका फ्यूल ज़्यादा कंजम्प होगा।
तो और भाई हम यहाँ पे दो लीवर्स दिए गए हैं। फर्स्ट जो लीवर है ये मेन लीवर होता है, इसमें आपका सारा कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। और भाई ये छोटू लीवर आपको दिख रहा होगा, इसमें आप जो एक्स्ट्रा बकेट्स होते हैं उसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। और भाई इंस्ट्रूमेंट टेस्टर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट में सबसे पहले तो आपको ये जो मेनली जो स्विच दिख रहा है गाइड टू होम वाला, ये सारी मशीनों में आता है। ये हेडलाइट्स हो गई हैं सारी फ्रंट की और रियर की। तो यहाँ पे आपको एक जो स्विच दिख रहे होंगे दोनों, ये नॉब और जो स्विच, ये दोनों एसी कंट्रोल के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि एसी भी दी गई है इस मशीन में। बट आप लोग बोल रहे हो कि भाई एसी तो मेरे को इसमें दिख नहीं रही है, तो हम वो भी देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद, तो आप बने रहिए बस वीडियो में हमारे साथ। और वहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्लस मोड और इको मोड दोनों मिलते हैं, ऑटो स्टॉप मिल जाता है, ट्रिप मिलती है आपको, और यहाँ पे आपको स्मूथ मोड जो हम बता रहे थे आपको बाहर साइड में, स्मूथ मोड का स्विच यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये सर्वो फंक्शंस के लिए ऑन करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक SOS मिल जाता है, इमरजेंसी स्विच मिल जाता है, जो कि आपको कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी प्रॉब्लम के टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फैन भी ज़्यादा, अगर बाई चांस आपकी मशीन में AC ख़राब हो जाती है या फिर आपका फ्यूल ज़्यादा चल रहा हो, आप फैन का यूज़ करना चाहते हो तो आप फैन भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि JCB ने आपके बारे में सोच रखी है यहाँ पे। तो वैसे अगर हम पीछे एक्सेलरेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखोगे तो पूरा आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसको पीछे चेंज कर दिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें सर्वो लीवर्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही स्मूथ लीवर है, जो कि हमारी पोकलेन मशीन में जनरली आते हैं, तो वो अब 3DX में भी कर दिया 4DX में, तो बहुत प्यारी बात है हमारे लिए। और यहाँ पे जो स्टेबलाइजर स्नो स्टेबलाइजर लीवर से वो यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो गाइस यही चीज़ें हैं सारी इसमें। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें AC के पोर्ट्स कहाँ पे दिए गए हैं। तो गाइस AC के पोर्ट्स देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम ऊपर साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC के पोर्ट्स दिए गए हैं, जो कि 6 पोर्ट्स में ये आते हैं। विद इन 5 मिनट्स के अंदर ये आपकी पूरा केबिन को कूल कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत अच्छा इसमें AC कनेक्शन दिया गया है, क्योंकि आप मशीन ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है गर्मी के दिनों में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो वही चीज़ें सारी ध्यान रखी गई हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।